ओके, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है उसे हमारी चिंता है। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस परेशानी में हैं, किस दुख में हैं, उसे उस बात की चिंता है। वो सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, हम सब लोग बहुत बार ऐसी सिचुएशन से, ऐसी परेशानियों से, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब ऐसा लगता है कि जैसे हम जंगल में हैं और जंगल से बाहर निकलने का हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। मानो हम उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से, उन कठिन समयों से, उन दुख बीमारी से ऐसे घिर गए हैं कि उनसे अब बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। हम हर एक कोशिश करके हार गए हैं, परंतु वहां से हम बाहर नहीं निकले हैं। हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं और हम अपनी दशा पे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ। यदि आप आज ऐसी परिस्थिति में हैं, तो ये वचन आपके लिए ही है। उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय में हम पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। 9 से 21 में हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब हाजिरा को और इस्माइल को अब्राहम ने अपने घर से निकाल दिया, तो उन्हें केवल पानी, एक बोतल पानी और कुछ रोटियां ही दी और एक थैली उन्हें दे करके उन्हें भेज दिया। बाइबल में लिखा है कि वो बरसेबा के जंगल में भटक गई और यहाँ तक इतना भटक गई कि उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। और उनके पास जब खाना समाप्त हो गया और पानी समाप्त हो गया, तो उनके पास मरने के अलावा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और जो इस्माइल था वो छोटा ही था, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं प्यास से लड़ सके और भूख से लड़ सके, और वो भूख और प्यास के मारे मानो मरने पर हो गया। और जब हाजिरा ने इसको, इस बात को देखा कि मेरा बेटा मरने पर हो गया है, तो उसने उसे एक झाड़ी में रख दिया और अपने आप थोड़ा सा दूर जा करके वहां पर चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देख रही थी, परंतु उसके पास उसे बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। उसके पास एक बूंद भी पानी नहीं था उसे पिलाने के लिए, और एक टुकड़ा रोटी नहीं था उसे खिलाने के लिए। वो जंगल में ऐसे भटक गए थे कि वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से वो पानी ले सके, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से वो भोजन प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और परमेश्वर का संदेश उसके पास आया कि हे हाजिरा, मत डर। तू क्यों चिंतित होती है? मत डर। जिस बच्चे को तूने मरने के लिए छोड़ा है, मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और उसे एक आशीष दूंगा। उसके जीवन में मैं उसे बहुतायत की आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आप इस समय ऐसी परिस्थिति में है जब जंगल से बाहर निकलना मानो नामुमकिन लगता है, मानो अपने सामने मौत को देखने जैसा है, कितने भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन सब कोशिशें नाकामयाब हैं, तब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें, उससे विनती करें। वो आपको उस परेशानी से, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे, उस कठिन समय से आपको बाहर निकालेंगे। मत डर, इस परेशानी को देख के मत डर। हालांकि हो सकता है तुम पे इतने ज्यादा दुख हैं, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, ढाड़स बांध ऐसे समय में, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति को बनाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। और बाइबल आगे कहती है कि वो जीवन भर उसी जंगल में रहे। बाइबल में लिखा 21वें पद में कि परमेश्वर उनके साथ में रहा। हालेलुया। वो हमें मरने नहीं देगा, वो हमें जंगल में अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमें जंगल में अनाथों की तरह नहीं छोड़ देगा, वो हमें मरने के लिए जंगल में नहीं छोड़ देगा। उन परेशानियों में, उन दुखों में, उन परिस्थितियों में, उन कठिन समयों में परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। वो हमारा चिंतक है, वो हमारी चिंता करता है और वो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार है। वो हमारा प्रोटेक्टर है, हमें बचाने वाला है। वो हमारी चिंता करता है। उसे चिंता थी हाजिरा की और इस्माइल की, हालांकि उन्हें भेज दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, उसे उन्हें ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया गया, उन्हें जंगल में मानो जबरदस्ती धकेल दिया गया, क्योंकि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी।
किसी को भी उनकी चिंता नहीं थी, परंतु एक है जिसे उनकी चिंता है, वो परमेश्वर है और उसे उन दोनों की चिंता है। परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, वो देख रहा है हमारी हर एक परिस्थिति को, वो जानता है हमारे हर एक सिचुएशन को, वो हमें मरने नहीं देगा, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। वो हमारा पिता है और वो हमारी चिंता करता है, वो बहुत जल्द हमें उन समयों से बाहर निकालेगा। आइए हम सब लोग दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, हो सकता है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा हो कि जब हमें लगता है कि हमें सब ने छोड़ दिया है, कोई हमारी चिंता नहीं करता, ऐसे जंगल में हैं जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है, हर कोशिश करके हम हार गए हैं, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, परंतु तेरा वचन कहता है मत डर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए, तू ऐसी परिस्थिति में भी हमारी चिंता करता है और तू कहता है प्रभु कि मत डर, मैं तुझे उन परेशानियों से बाहर निकालूंगा। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग प्रभु आज ऐसी परिस्थिति में हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन लोगों की सुधि लें प्रभु, आप उन लोगों को उन परेशानियों, उन दुखों, उन परिस्थितियों से प्रभु आप उनको बाहर निकालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।